फिर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, अवनी जैन ने बहुत सुंदर अपना मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत किया। अब हमारी आशा जैन जी की अध्यक्षता में श्रीमती मीना जी बापरीवार इंदौर अपना वक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत हों, उपस्थित इनको उपस्थित करें, स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें। श्रीमती मीना बापरीवाल अपना वक्तव्य, अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रही। मीना जैन बापरीवाल, चलो चलो जल्दी। प्रतिमा हो इस युग की सुकुमार तपस्वी, नारी की गुण गरिमा हो, माँ तेरे चरणों के रजकण बन जाते हैं शुभ चंदन, गढ़नी ज्ञान मती जी माता, स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो मेरा वंदन। सरस्वती स्वरूपा गढ़नी प्रमुख आरिका शिरोमणि दिव्य शक्ति की धारक परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदामी। प्रज्ञापुंज प्रज्ञा श्रमणी पूज्य आरिका श्री चंदनामती माता जी एवं समस्त आरिका संघ को सादर वंदामी। कर्मयोगी गुरु आज्ञा पालन करने में सदैव तत्पर पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी को सादर वंदना। आज के गुणानुवाद सभा में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सादर जय जिने। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज इस गुणानुवाद सभा में माता जी के समक्ष अपने उद्गार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। माता जी, ये हमारे तीव्र अंतराय कर्म का उदय ही है जो इस कोरोना काल में हमें जिनेन्द्र देव और गुरुओं के प्रत्यक्ष दर्शनों से वंचित होना पड़ रहा है, किंतु मैं धन्यवाद देती हूँ आधुनिक टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से हमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रतिदिन भगवान के अभिषेक और शांति धारा देखने को मिल रही। मुझे मीना जी से कहना है कि थोड़ा बीच में आए, आपका आधा चेहरा आता है, एकदम बीच में आकर के पूरा चेहरा दिखाएं और इधर तरह के। हाँ, अब आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हमारे गुरुओं की प्रेरणा से प्रत्येक घर आज मंदिर बन गया है। प्रातः काल पारस चैनल चालू करते ही और शांति के पश्चात जब दिव्य आवाहन इस युग की सर्वोच्च साध्वी गढ़नी आरिका ज्ञानमती जी के आगम प्रमाणों से युक्त धर्मोपदेश सुनते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। इसके पश्चात जब हम आरिका चंदनामती माता जी के मधुर स्वरों में शांति भक्ति का पाठ झल्लरी यंत्रों के साथ सुनते हैं तो अपार शांति का अनुभव होता है। अनेक तीर्थों की सुंदर व अतिशयकारी प्रतिमाओं के दर्शन से अपार हर्ष होता है। परंतु इन सबसे अधिक जो अवसर हमें पुण्य योग और वर्तमान टेक्नोलॉजी से प्राप्त हुआ है वह साधना के क्षेत्र में सबसे अधिक संयमित जीवन जीते हुए यथा नाम तथा गुणवान ज्ञानमती माता जी का 87वां जन्म दिवस जूम ऐप के माध्यम से मनाना। इस उपलक्ष्य में 87 दिवसीय गुणानुवाद सभा में हमें माता जी एवं आरिका संघ के दर्शन एवं अमृतवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। ऐसा लगता है माता जी जैसे आप हमारे सामने ही बैठी हैं। माता जी, आपके प्रथम बार दर्शन मैंने इंदौर में सन 88 या 89 में किए थे, जब आप इंदौर के उदासीन आश्रम में आई थी और अखिल भारतीय महिला संगठन का आपने गठन किया था। उस समय की शांत और सौम्य छवि आज भी मेरे मन में यथावत विद्यमान है। माता जी, आप वात्सल्य की मूर्ति हैं, आपकी वाणी में जादू है, आपकी छवि मन को मोहित करती है, आपका ज्ञान हमें विस्मित करता है, आपका लेखन चारों अनुयोगों को साकार करता है, आपकी चर्या में मूलाचार झलकता है, आपके अनुशासन में नियम सार, आपके उपदेशों में प्रवचन सार तथा आपके अनुभव में समय सार के दर्शन होते हैं। माता जी, आपने नारीत्व को ही नहीं जैन धर्म को गौरवान्वित किया है, आपने अपने ज्ञान को ही नहीं वरन जैन तीर्थ और शुद्ध की संपदा को संरक्षित और संवर्धित किया है। हस्तिनापुर के जम्बी द्वीप की पावन प्रेरिका मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव की उत्तुंग प्रतिमा का स्वप्न साकार करने वाली, तीर्थंकरों की उपेक्षित जन्मभूमियों को विकसित करने वाली, युवाओं की शक्ति को संगठित करने वाली तथा जिस संस्था की सदस्य बनकर आज मुझे आपके गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की स्थापना भी आपके आशीर्वाद से हुई है।
जिसका सफल संचालन इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जैन समाज में जिनका नाम है, ऐसी हमारी परम आदरणीय सुमन आंटी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक हो रहा है। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर माताजी का सत्संग आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ। हम सभी पर उनका विशेष स्नेह सदा बना रहता है, वे वाकई हमारी प्रेरणा स्रोत है। साथ ही मैं आभारी हूँ सरल सहज व्यक्तित्व की धनी आदरणीय उषा जी पाटनी की, जिनकी कलम में साक्षात सरस्वती विराजमान है। माता जी, वर्तमान समय में कोरोना से उत्पन्न भय और डर की विषम परिस्थितियों में उन्होंने व्हाट्सएप पे धार्मिक प्रश्नोत्तरियों के माध्यम से हमारा ध्यान उस ओर से हटाकर धर्म में लगाया। निश्चित ही ये उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। साथ ही मैं अपने परम मित्र और महिला संगठन के सचिव रेणु जी गोदा को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे इस सभा में बोलने के लिए प्रेरित किया और अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। मैं उन सभी के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा से मैं आज जैन समाज के सर्वोच्च साध्वी के प्रति अपनी सुमनांजलि भेंट कर सकी। अंत में माता जी के प्रति अपने भावों को मैंने एक छोटी सी कविता के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया है, त्रुटियों के लिए माता जी क्षमा चाहूंगी। हे ज्ञान मती माँ ज्ञानमयी, तुम ज्ञान ध्यान में लीन रही, मैं विषय भोग में रचपच कर निज आत्म तत्व को भूल गई। अब है बस मन की अभिलाषा सम्यक रत्नत्रय पा जाऊं, आशीष मुझे दो हे माता संयम पथ पर मैं बढ़ जाऊं। वात्सल्य मूर्ति है दिव्य शक्ति, तुम स्वस्थ रहो दीर्घायु हो, जब तक हो नव में सूर्य चंद्र तब तक यशगान तुम्हारा हो, तब तक यशगान तुम्हारा हो, तब तक यशगान तुम्हारा हो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। माता जी मैंने आपके लिए खुद लिखी है कविता, वंदामी माता जी लिख दिया मैंने। बहुत बहुत आशीर्वाद श्रीमती मीना जी बागलीवाल कंचन बाग इंदौर की अध्यक्षा जी को। श्रीमती सुमन जैन, मैं समझती हूँ कि बहुत ही प्रसन्न हो रही होंगी और हमें भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि कितनी जान है आपकी महिला संगठन की इकाइयों की बहनों के अंदर, कितना कुछ प्रयत्न करती हैं और कितना मूल्यांकन करती हैं अपनी नारी जाति की मसीहा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। तो आपने चुन करके इनको अध्यक्षा बनाया है और वो दृश्य वास्तव में याद आ रहा है जब इंदौर में पूज्य माता जी ने महिला संगठन का गठन किया था भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक के दिवस सन 1996 में। बहन चंद्र प्रभा जी मोदी ने बहुत ही पुरुषार्थ पूर्वक उस महिला संगठन की इकाइयों को सींचा, बनाया और उनको पुष्पित पल्लवित किया। अब हमारी सुमन जी उसे अक्षय वट की तरह से आज बढ़ा रही हैं और इसी प्रकार से दिल्ली, राजधानी दिल्ली से हमारी राष्ट्रीय महामंत्री मनोरमा जी पूरी सक्रियता के साथ अपनी पूरी इकाइयों के साथ में, चाहे वो निगम जी हैं, निर्मल जैन है, सुनीता काला है और हेना जी हैं सूर्यनगर की, सब बहनें खूब प्रयत्न पुरुषार्थ करके और महिला संगठन की इकाइयों को जीवित करके रखती हैं, जागृत करके रखती हैं और उनके भी वक्तव्यों को आप लोगों ने श्रवण किया है। आज उसी श्रृंखला में मीना जी बागलीवाल का बहुत ही सुंदर भाषण वक्तव्य हमने सुना, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब आएंगी श्रीमती सुप्रभा जैन जबलपुर से, जो श्री श्रेयांश दिवाकर यानी दिवाकर परिवार आचार्य श्री शांति सागर महाराज का परम भक्त और ऐतिहासिक परिवार रहा है। उसमें आज जो भी लोग हैं, चाहे वो अभिनंदन जी दिवाकर हैं, चाहे श्रेयांश जी दिवाकर हैं, चाहे हमारे प्रीतिंकर जी दिवाकर जो जस्टिस हैं, सब लोग एक आदर्श उपस्थित करते हैं। तो उसी में श्रेयांश जी दिवाकर की सुपुत्री श्रीमती सुप्रभा जैन को स्क्रीन पर लाए, जबलपुर से हैं और वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते रणत्ययं च वन्दे चौबीजिन सर्वदा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे साधुचरणं सया वन्दे। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सिद्ध, तीन काल के मेरा बंधो। युग के प्रथमाचार आचार्य चाली चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय।
आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज की जय, प्रथम आरिका चारी चंद्रिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, आरिका श्री इंदुमती माता जी की जय, आरिका श्री सुपाशवती माता जी की जय, आरिका चंदनामती माता जी की जय। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। ओम शालोकानां त्रिलोकानां यत्वंदे चारुचरणं सयाबंदे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते रैणत्ययं च वन्दे चौबीजिन सर्वदा वन्दे पञ्चगुरूणां वन्दे चारुचरणं सया वन्दे। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सिद्ध, तीन काल के मुनिवरा बंधो लोक युग के प्रथमाचार आचार्य चाली चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज की जय, प्रथम आरिका चाली चंद्रिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, आरिका श्री इंदुमती माता जी की जय, आरिका श्री सुपाशवती माता जी की जय, आरिका। थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ी के कारण अभी वीडियो आपको पूरा अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, अभी हम सुप्रभा जी को पुनः उपस्थित करेंगे। तब तक आप सब लोगों की ओर से पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के चरणों में हम विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं सामूहिक रूप में, और सौभाग्यवती आशा जैन से हम प्रेरणा करते हैं कि आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। तो आशा संपत जी पाटनी मुंबई, अभी लगाते हैं वो टेढ़ा। चलिए आशा जी को उपस्थित करें और उनको अनम्यूट करें। आशा जी को अनम्यूट कीजिए। भारत की पावन धरा पर शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ज्ञान की गंगा अवतरित हुई। जिन्होंने अपने जीवन में जिन धर्म का पाठ पढ़ा और पढ़ाया, अपने 350 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन करके जन कल्याण की भावना के साथ जिन धर्म की पताका लहराई, ऐसी विदुषी अमृतवाणी पूजनीय ज्ञानमती माता जी को सत सत प्रणाम करती हूँ, सत सत वंदन करती हूँ। मुंबई चतुर्मास के दौरान आपका सानिध्य मुझे व मेरे परिवार को मिला, यह हमारे जीवन का उत्कृष्ट समय था। ज्ञानमती माता जी का सत्संग व चंदनामती माता जी के विचारों को नजदीक से पाकर पूरा मुंबई समाज व हमारा परिवार धन्य हुआ। आपका चतुर्मास ऐतिहासिक था, जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यह समय जैन धर्म धर्मावलंबियों के लिए प्रेरणाकारी व हितकारी बना, जिसके लिए हम सब कृतज्ञ है। आपकी मधुर याद हम सबको हर समय आती है। आपके दर्शनों की अभिलाषा होते हुए भी वर्तमान समय में साक्षात नहीं कर पाते हैं। मन ही मन आपका ध्यान हमें प्रेरित करता है। आपका स्वास्थ्य सकुशल रहे, आपकी सभी संके व्रति स्वस्थ रहे, इसी भावना के साथ पुनः आपके चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करती हूँ, सत सत वंदन करती हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, हमें आपकी बहुत याद आती है माता जी। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो ज्ञानमती माता जी की जय, बोलो चंदनामती माता जी की जय, वंदामी माता जी। अपने विचार प्रस्तुत किए और जूम ऐप के माध्यम से तो आपको भी यही लग रहा होगा कि हम जैसे साक्षात ही पूज्य माता जी के समक्ष बैठे हैं और माता जी हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो ये थे अध्यक्षीय विचार श्रीमती आशा जैन के। अब श्रीमती सुप्रभा जैन जबलपुर को प्रस्तुत किया जाए और चलो शुरू करो। सुप्रभा जैन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने शतलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते रैणत्ययं च वन्दे चौबीजिन सर्वदा वन्दे
पंच गुरु नाम बंदे चारु चरणम सया बंदे तीन काल के जिनवरा तीन काल के सिद्ध तीन काल के मेरा बंदो लोक युग के प्रथमाचार आचार्य चाली चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज की जय। तथा मारिका चाली चंद्रिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका श्री इंदुमती माता जी की जय। स्वस्ति भूषण श्री रवि कीर्ति स्वामी को नमोस्तु। समस्त मुनि सांग आरिका संघ की जय। समस्त भाई बहनों को जय जय। सरस्वती स्वरूप माता जी जिनमें ज्ञान चारित्र और तीनों की महानता है वे हमारे लिए पूजनीय है। तीर्थंकर भगवतों की जब वाणी खिलती है तब समोषण में विराजमान समस्त जीवों को भगवान की वाणी अपनी अपनी भाषा में सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारा इतना पुण्य नहीं था कि हम साक्षात समोषण में विराजमान भगवान की वाणी सुन पाते। हमें गौतम गणतंत्र स्वामी ने हमारे कल्याण के लिए भगवान की वाणी सुरक्षित कर दी है। उन गौतम गणतंत्र स्वामी की वाणी को आचार्य को सरस्वती स्वरूपा माता जी ने गौतम वाणी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। रेण सार ग्रंथ में कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव आचार परंपरा के विरुद्ध कभी प्रवचन नहीं करते, वह आगम के आधार पर भी प्रवचन करते हैं। यही हमारी माता जी करती हैं। माता जी निश्चय ही एक ऐसी महान साध्वी हैं जिनके मुख से निकले आगम सम्मत प्रवचनार्थ को सभी अपनी सामर्थ्य अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। कोई वीडियो में, कोई ऑडियो में, कैसेट में, तो कोई डायरी में। आदरणीय माता जी शांति सागर महाराज जी की आगमानुसार आज परंपरा को निर्बाध रूप से निडरता साहस और जोश के साथ चला रही है। हमारे बुंदेलखंड में यह परंपरा नहीं है पर फिर भी हमारे सिवनी के संस्कार हैं। हमें दादाजी पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर जो हमारे पिताजी श्री श्रीनाथ कुमार जी दिवाकर के बड़े भाई थे उनसे हमें यह परंपरा प्राप्त हुई। हम सब उन्हें दादाजी के नाम से संबोधित करते थे। हमारे सिवनी में पंचामृत अभिषेक नहीं होता था पर जब दादाजी आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन करके उनके साथ वार्तालाप किया अभिषेक पंचामृत देखा तो पंचामृत महाराज जी ने पंचामृत अभिषेक करने को कहा तो दादाजी ने कह दिया कि महाराज जी हमारे यहाँ परंपरा नहीं है पंचामृत की। तो महाराज जी उनसे बोले कि तुम पंडित होकर परंपरा की बात करते हो तो आगम की बात कौन करेगा। तब दादाजी को धक्का लगा। दादाजी को श्री आगम को खोल कर दिखाए फिर दादाजी सिवनी गए वहाँ पंचों की मीटिंग की। फिर महाराज जी के पास आकर बोले महाराज मैं पंचामृत अभिषेक करूंगा। महाराज जी बोले देखो पंडित आ गया मेरे पक्ष में। महाराज जी दादाजी बोले महाराज जी मैं आगम के पक्ष में हूँ। तब से सिवनी में पंचामृत अभिषेक शुरू हो गया। हम लोग बचपन से ही पंचामृत के अभिषेक देखते रहे और दादाजी के द्वारा शांति सागर जी आचार्य वीर सागर जी आचार्य देशभूज महाराज जी आचार्य देव सागर महाराज जी आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी और आचार्य देवनंदी महाराज जी आदि ज्ञानमती माता जी इंदुमती माता जी सुभाषवी माता जी आदि की चर्चा घर पर करते रहते थे तो हम लोग को ऐसा लगता था कि हमारा पूरा परिवार ही है। परंतु हम साक्षात में माता जी के साथ नहीं रह पाए। सिवनी में आज भी पंचामृत अभिषेक की परंपरा चल रही है और आज पारस चैनल के माध्यम से हम 6 से 7 बजे के बीच माता जी के आशीर्वाद से पंचामृत अभिषेक देखने को मिल जाता है जिससे संतुष्टि मिलती है और माता जी के संग सही दर्शन हो जाते हैं। नवोकार तीर्थ से देवनंदी महाराज जी के यहाँ से भी पंचामृत अभिषेक देखने मिल जाता है। आचार्य श्री ने आचार्य शांति सागर महाराज जी ने घर घर चैत्यालय स्थापित करवाए थे उसी परंपरा में हमारे घर भी चैत्यालय है यंत्र स्थापित है। अभी लॉकडाउन के समय तो हर घर पर चैत्यालय की प्रतियोगिता नजर आ रही है। माता जी ने टिकैत नगर में हर घर में आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान करवाई थी। मेरी भावना उस समय भी बहुत होती थी अपने घर में आचार्य श्री की प्रतिमा स्थापित करूं पर टिकैत नगर बहुत दूर था मेरी भावना पूर्ण नहीं हो पाई। माता जी और आचार्य श्री के संग सहित हमारे बीच भाव से रहते हैं। माता जी अभी मेरी इच्छा है कि आचार्य श्री की प्रतिमा हमारे चैत्यालय विराजमान हो यही आशीर्वाद दें। संघ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का चारित्रक भी नाम पर्यायवाची बन चुका है। माता जी हमेशा कहती हैं पंडित जी ने चारित्रक वाले ग्रंथ के रूप में बहुत बड़ा कार्य किया है। दादाजी के नाम से सिवनी दिवाकर जी की सिवनी के नाम से जानी जाने लगी। 1965 में जब दादाजी सर्वधर्म सम्मेलन में जापान गए थे वहां से लौटने पर उन्होंने नेमी सागर महाराज जी से कहा कि
महाराज जी मुझे प्रायश्चित दीजिए। तो महाराज जी बोले, तुम्हें प्रायश्चित नहीं पुरस्कार देना चाहिए। माता जी ने इतने महत्व पूर्ण कार्य किए हैं पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। दादाजी ने इतने महत्व किए पर हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माता जी हमको आशीर्वाद दें कि हम लोग भी कुछ कर सकें। माता जी द्वारा तीर्थंकर की जन्म भूमि का विकास हुआ। मांगी तुंगी में सबसे बड़ी प्रतिमा के पंचकल नानक में हमें इंद्रदानी बनकर भक्ति करने का और माता जी के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। माता जी ने अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए जिनकी कोई गिनती नहीं है। उन्हें नमोकार महामंत्र बैंक की स्थापना की जिसमें हमारी माँ शांतिबाई दिवाकर जो 7 प्रतिमा धारी थी उनकी अधूरी कापी को अभी पूरी कर रही हूँ। माता जी का आशीर्वाद तुरंत फलीभूत होता है। 2000 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ हेतु हमें आशीर्वाद हम लोग को आशीर्वाद दिया था। कुंडलपुर मध्य प्रदेश में पूर्वी जैन को आशीर्वाद दिया और एक ही बार में सीए की परीक्षा में निकल गई। माता जी का आशीर्वाद सबके लिए फलीभूत होता है। इस समय माता जी बचपन से ही संयमित रहा है। एक बार घी वाली घी देकर माता जी को घर में दे गए तो चीटी निकली। बोली वापिस मैं ला दूंगी, कल साफ करके ला दूंगी। माता जी ने उसी दिन से बाहर के घी का त्याग कर दिया। आचार्य श्री सातीजागा महाराज कहते थे, संयम धारण करो, संयम से डरो नहीं। आचार्य जी का जीवन बचपन से ही संयमित था। 40 वर्ष के ग्रंथ में संपूर्ण जानकारी जीवनी लिखी है जो सबको पढ़ना चाहिए। आचार्य शादी चालीस अवधि नाम पर्यायवाची बन चुका था। माता जी हमने अभी 42 दशावहार विधान कर लिए हैं और हमें आशीर्वाद दें हम आगे बढ़कर कुछ कर सकें। माता जी ने कई भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई थी उनको दूर किया है। जैसे ब्राह्मी सुंदरी को बैराग कैसे हुआ और आदिनाथ ने पिछले गांव बैर के मुँह में मुसकिया बांध दी, सब गलत गिनती माता जी ने इनका समाधान प्रवचन के द्वारा किया है। बहुत 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 आशीर्वाद सुप्रभा जी के लिए। आप वास्तव में सौभाग्यशाली हैं दिवाकर परिवार में जन्म लेकर के, जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती और आध्यात्मिक ज्योति और अनेक ग्रंथों को लिख करके अपने दिवाकर परिवार का नाम अमर कर लिया। ऐसे सुमेश चंद दिवाकर के परिवार में जन्म लेना भी कम पुण्य की बात नहीं है और आपके अंदर शक्ति मिले कि आप उस परंपरा को हमेशा अपने जीवन में खूब सार्थक करें, अपने घर के अंदर चैत्यालय बना करके और पंचामृत अभिषेक की परंपरा को आज परंपरा को कायम रखें। यही हमें सुप्रभा जी के लिए कहना है। पूज्य माता का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हम आते हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के निकट कि पूज्य माता जी आप उपस्थित समस्त भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कीजिए, क्योंकि नित्य ही नए नए भक्त जूम के साथ में इस सभा में जुड़ते हैं। जहां से भी लोगों का कार्यक्रम होता है, जो वक्तव्य प्रदान करते हैं, जो अध्यक्षता करते हैं, जो मंगलाचरण करते हैं, सब लोग आपके मंगल आशीर्वचन श्रवण करने की लालसा रखते हैं। तो सबको आशीर्वाद प्रदान करके प्रसाद कीजिए। पूज्य माता के चरणों में वंदन। कौन कुसुम लता और आज के जूम ऐप के अंदर हमारे पूर्व संघपति श्री महावीर प्रसाद जी जैन बंगाली स्टेट साउथ एक्स दिल्ली की धर्म पत्नी श्रीमती कुसुम लता जी भी जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी अपने मंगल आशीर्वाद प्रवचन हम सभी को प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यते यदि ज्ञानांतर्गत भूस्वात्रैलोक्यं भूस्वदायते। हम अब आपको ले चले चतुर्थ काल की वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी की ओर, जिन्होंने हमारे दैवीय प्रतिकोण में जिसको कि हम सभी साधुगण आरिकाएं मुनि आरिकाएं सभी जिसको दिन में 2 बार पढ़ते हैं सायंकाल और सुबह,
उसमें बहुत ही सुंदर प्रकरण आए हुए हैं, एक एक शब्द एक एक वाक्य अमूल्य है, और जिसे कहते हैं कि अनंत अर्थ व्यवस्था, अनंत अर्थों से भरे हुए उनके वाक्य। एक के भावे नाचार्य के इसरा दुष्टि पाठ चल रहा है, उसमें आया है अच्छ सु मय सु मद आठ होते हैं। अनादि परंपरा गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए शब्द में ये समझ लीजिए आप कि जो उनके मुख से निकले हुए शब्द है वो सब अनादि परंपरा को प्रकाशित करते हैं, दोषित करते हैं। मद आठ होते हैं, जाति मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, अपने ज्ञान मद, तप मद, बल मद और शिल्प का मद। ये सब मद हैं जिनके निमित्त को लेकर के घमंड होना, गर्विष्ठ होना, ये मद कहलाता है। समंत मद स्वामी ने कहा है कि जो मद करते हैं वो समझ लीजिए कि अपनी अपने गुणों को, अपने सम्यक्त को, अपनी आत्मा को ही मलिन करते हैं, अपने गुणों को ही सम्यक्त को ही मलिन कर देते। सम्यक्त के मल दोष हैं 25 मल दोषों में। अभी हम सुमेर चंडी दिवाकर को याद करने लग गए, पुराने संस्करण कुछ याद आ गए सुप्रभा जी के वक्तव्य को सुनते हुए कि हम लोग जब कुंथल गिरी में आचार्य श्री शांताराम महाराज की संलेखना के समय एक महीना मैं वहां रही हूँ छिल्लिकावस्था में, उस समय मेरी उम्र केवल 22 वर्ष की थी, सन 34 का मेरा जन्म, और वो 55 की घटनाएं याद आ जाती हैं। तो सुमेर चंद जी दिवाकर जी और हम सब छिल्लिकाए पर बैठ करके चर्चाएं करते थे, और कुछ संस्मरण वो हमसे भी पूछते और कुछ अपने भी सुनाते। उसके बाद तो अनेकों बार, बहुत बार मिलना हुआ है दिल्ली में, महीनों हम एक साथ कर रहे हैं, और हसनापुर भी आए हैं कई बार, हमारे से काफी चर्चाएं होती रही हैं समय शिखर में, हमेशा ही हम सब एक साथ जुड़े रहे हैं। अनेकों उससे संस्मरण याद आ रहे हैं समय चंद दिवाकर के। एक संस्मरण मुझे याद आता है कि समय शिखर में नंदीश्वर जीव का पंचराज प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था सन 1963 की बात है। साहु शांति प्रसाद जी सौदानंद बने थे, और बहुत विशाल प्रांगण था, बहुत बड़ी सभा थी। एक दिन रात्रि में सभा में साहु शांति प्रसाद जी ने कुछ वक्तव्य दिगंबर जैन परंपरा के विरुद्ध बोल दिया, दिगंबर जैन मुनियों की टीका टिप्पणी करते हुए, और कुछ ऐसे ही बोल गए। अनेकों विद्वान थे जो सुनते रहे, और रात्रि में लगभग 11:30 होगा, अकस्मात वहां बीच मंत्री कोठी में हम लोग ठहरे हुए थे, संघ ठहरा हुआ था, हमारा आरिकाओं का संघ था। तो अकस्मात वो 4-5 विद्वान मिलकर पहुंच गए और बोले एकदम, क्योंकि हम लोग जो है कमरे का दरवाजा तो बंद नहीं करते थे, और बाहर ही बरामदे में वो सब पहुंचे एकदम, और जोर से बोले, दुनिया को जगाने वाले सोते कैसे हैं, सोए नहीं सकते, उनको उठना पड़ेगा। हम एकदम उठकर बैठ गए और चर्चा हुई। तो वो कुछ हमसे लिखित 4 लाइन लेने के लिए आए थे। घटना ये घटी थी कि उसमें भगवान की दीक्षा के लड़क में एक अपरिचित सा कोई व्यक्ति आया, और उसे एकदम अपने कपड़े उतार कर फेंके, और अपने को बोले मुनि है, मुनि
स्वयं और किसी ने कोई एक मुनि वहां ठहरे हुए थे उनके कमरे से ला करके कोई एक पीछे कमंडल भी कहीं मिल जाते थे पुराने रखे थे कहीं भी और लाकर एकदम उनको दे दिया और वो मुनि 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 जय जयकारा। तो कुछ लोग उनके विरोध में आ गए कि ये स्वयं दीक्षित कौन है, स्वयं कैसे दीक्षा ले ली, वहां एक मुनि भी थे उनसे दीक्षा ले, अरे है कौन, क्या है, क्या परिचय है आदि। तो इस पर कुछ चर्चा विशेष बढ़ गई थी। तो मेरे से उसका विरोध लिखाने के लिए आ गए, बोले आप इसका लिख कर दो क्योंकि इस समय आप वरिष्ठ आदमी हैं, हम कलकत्ते चातुर्मास करके आए हुए थे तो लोग सब परिचित थे ही थे। तो वास्तव में थोड़ा बहुत लिख करके मैंने दे दिया कि भाई ये स्वयं दीक्षा अपने यहाँ जैन परंपरा में दिगंबर जैन परंपरा में मान्य नहीं है और स्वयं दीक्षा तीर्थंकर के सिवा कोई नहीं लेते हैं, गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए, यहाँ एक मुनि है उनसे दीक्षा ले तो मान्यता होगी अन्यथा नहीं होगी, यही लिखकर। और वो उन्होंने मेरे से सही कराई आदि चर्चा हुई और जाकर के प्रस्ताव पारित किया और साहू जी ने जो वक्तव्य दिया था उसके बारे में बोले कि आपको जो है आज दिन में, क्योंकि रास्ते में सभा में हम जाते भी नहीं थे बैठते भी नहीं थे, तो दिन में आपको 10,000 की सभा रहती है, बहुत बड़ा पंडाल था, बहुत बड़ी भीड़ थी, आपको विषय बता दिया, ये विषय बोले हैं और इसके विषय में आपको दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार अच्छी तरह से अपना मंतव्य रखना है। बहुत बड़ी सभा थी और वहां उस समय अपने जैन विद्वानों में 40 विद्वान उपस्थित थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी जो साहू जी के बारे में कुछ जवान खोल सके, सब डर रहे थे और उस समय सौदानंद भी बने हुए थे तो थोड़ा उनका दबदबा भी बहुत जबड़ा था। तो बोले आपको बोलना ही पड़ेगा, हमने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो है कुंथलगिरी में देखा था उसे छिड़कावस्था में भी जानते थे, कलकत्ते से परिचित थे। तो खैर वो संस्मरण याद आ गए, सुमेरचंद दुआ करके और बहुत से संस्मरण याद आ जाते हैं। तो बात यही है कि सुमेरचंद दिवाकर का परिवार, दिवाकर मतलब हम समझते हैं दिवाकर का अर्थ सूर्य, तो ये सूर्य के समान देवी विमान ये परिवार, और इस परिवार में हमेशा सभी लोग हमसे संपर्क में रहे, जुड़े रहे हैं, आते रहे हैं, श्री राम जी भी आए हैं और परिचय बना रहा है, अभी इन दिनों कुछ आना जाना कम रहा, फिर भी ये परिवार शुरू से आचार्य सांसारी का परम भक्त है और त्यूनी में मध्य प्रदेश में 20 पंथ परंपरा, आगम परंपरा, आठ परंपरा, आचार्य सांसारी की परंपरा को चलाने वाला, अपने घर में चैताले रखकर के पंजाब से करने वाला एक परिवार, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनकर के। तो बात यही है कि सुमेरचंद दिवाकर जी और उनके परिवार में आचार्य सांसार महाराज जी के जो वरद हर्ष के जो संस्कार हैं, जो उनका वरद हर्ष उस परिवार को मिला हुआ है और जो उन लोगों ने आचार्य सांसार महाराज से पाया है और हम लोगों की परंपरा में जो हमेशा ढले रहे हैं, ये गौरव है। मैं तो चाहूंगी उनके परिवार के सभी सदस्य हमेशा हमेशा आते रहे, हम लोगों से भी जुड़े रहे, क्योंकि अभी हम लोग जो है आचार्य सांसार महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाने में, वृद्धिगत करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। एक पारस चैनल के माध्यम से पंचावर से सुबह सुबह दिखाया जाता है, एक यही हसनापुर से इस परंपरा से दिखाया जाता है, हम कहीं रस्ते में भी रहे, जंगल में भी रहे, कहीं भी रहे, पारस चैनल के माध्यम से सर्वत्र अब से दिखाया गया है, कई वर्षों से चल रहा है। तो बात यही है कि ये परंपरा हमारी और आपकी नहीं है, ये परंपरा किसी साधु ने चलाई नहीं है, ये परंपरा अनादि निधन है, जो कहिए श्री पूज्यपाद स्वामी, हमारे सामने सब प्रमाण उपस्थित हैं, बार बार चर्चा आती है इन दिनों शासन देव देवी आदि के बारे में,
तो हमें प्रवाद दिखाने पड़ते हैं। तिलर पंडित पंजाब से पाठ पूजपा स्वामी आदि के विक्रम संवत 302 में पूजपा स्वामी हुए हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ पंजाब से पाठ छपा हुआ है। गुणवंत स्वामी का अभिनंद सूरी का अभिज प्रजा पंजाब से पाठ छपा हुआ है। दक्षिण में हमेशा परंपरा रही है, में और बड़वानी में भी हमेशा पहले पंचायत दशक होता रहा है, तो हम लोगों ने प्रेरणा नहीं दी कि हमेशा हमेशा दिखाते रहे। बात यही है कि अभी मैंने देखा बुंदेलखंड के महाराज छोटा सा भ्रमण हुआ सागर और सहागल आदि, कुछ ही गांव में कुछ ही शहरों में जाना आना हुआ थोड़ा सा, द्रोणागिरी नंदागिरी आदि की वंदना की। तो हमारे संघ में जो भगवान चैताले रहा, संघ में चैताले की परंपरा तो आचार्य जी की आज्ञा ही है, तो उसका पंचायत से कितने ही वो बुंदेलखंड के लोग भी कितने ही लोग महिला पुरुषों करते रहे। मांगी तुंगी में मैंने देखा है हजारों हजारों लोग आते हैं श्रवण, यहाँ हसनापुर में बुंदेलखंड के सौ से कर जाते हैं, कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं रखते हैं। प्रांति परंपरा अलग है, आज परंपरा अलग है, लोगों की भावनाएं जिनकी गुरु भक्ति में और भगवंत की भक्ति में है वो इस पंथवाद और संतवाद में विश्वास नहीं करते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया है कि ये परिवार दिवाकर जी का परिवार और हमारी आशा जी पाटनी, ये तो हमने देखा कैसे दौड़ दौड़ कर बम्बई में मेरे आगे आगे दौड़ती रहती थी। शायद ही कोई दिन गया होगा जिस दिन आशा जी पाटनी ने संघ को छोड़ा हो, और बराबर मांगी तुंगी भी आई। हम देखते हैं कि आज जो है महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश और ये यूपी सबका संगम हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। जूम के माध्यम से हमारी महिलाएं और हमारे लोग सब जुड़ जाते हैं। तो बात यही है कि हमारी महिलाओं को भी किसी काम में पीछे नहीं रहना है। आज के बाद वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग करते हुए हम आपसे दूर नहीं हैं, आप हमसे दूर नहीं हैं, ये गौरव का विषय है। जब अभी एक दिन जब मैंने यहाँ पारस चैनल के माध्यम से और शासन देव देवी के अर्घ चढ़ाने के पूजा आदि के प्रमाण उपस्थित किए, आगम के परिप्रेक्ष्य में सुनाया, तो अमेरिका से हमारी रूबी दावड़ा जी का जो मुंबई में अभी हमारे से मिली है उनका फोन आ गया भाई हमारी बहन जी के पास में कि आज हम यहाँ सुनकर के पारस चैनल के माध्यम से वक्तव्य माता जी का सुना पद्मावती शासन देवी के बारे में, क्योंकि वो भी शासन देवी की भक्त है, उनके यहाँ भी शासन देवी विराजमान थे चैताले में और उन्होंने अच्छा अवशेष हमें दिखाया था मुंबई में। उनके अवशेष को देख कर हम लोग बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे। तो बात यही है कि देश और विदेश में भी पारस चैनल के माध्यम से और जूम के माध्यम से हम और आप धर्म की बात को अपनी बात को पहुंचा देते हैं। ये वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग वर्तमान में हो रहा है, वैश्विक महामारी के प्रसंग में भी हम आपसे जुड़ जाते हैं, आप हमसे जुड़ जाते हैं, अच्छा लगता है। तो बात यही है कि हमारे अभी आज सूरत भी जुड़ा हुआ है, गुजरात, मुंबई और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इंदौर और सिवनी और की जो है जबलपुर के हमारे सुप्रभा जी, और अच्छा लगा। बात यही है कि हमारी चर्चा चले कि मद के बारे में, तो ज्ञान का या किसी चीज का मद नहीं होना, लेकिन गौरव और सावधान जरूर होना चाहिए हमें और आपको कि हम आचार्य श्री शांत साल महाराज हमारे गुरु, गुरु नाम गुरु और आज परंपरा जो आगम हमारे लिए प्राण है, हमारे लिए सर्वस्व है, हमारे लिए निधि है और हमारे लिए जो कुछ है पंचम काल में आगम चक्षु नेत्र है, और हम उस परंपरा का संरक्षण संवर्धन करें, वृद्धिगत करें और मुंडे मुंडे मति भिन्ना, इसे हम लोग डरे नहीं घबराए नहीं, आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने आप दृढ़ संकल्प भी रहें और आगे बढ़ते हुए अपनी आज परंपरा को वृद्धिंगत करते रहें।
अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी में संस्कार डालते रहे और दिवाकर परिवार के बच्चे बच्चों में संस्कार बने रहे, आचार संसार की समर्पित भावना बनी रहे, उनकी परंपरा के प्रति। संसार की निजी परंपरा कुछ नहीं है, आचार्य पीर की परंपरा आत्म परंपरा है, आगम परंपरा है, इस बात का हमें गौरव है। तो वो परंपरा हमेशा जीवंत रहे। आज महावीर कीर्ति की परंपरा में भी वही परंपरा चलती है, पंचाशेख की शासन देवी देव के मानने की और महिलाओं द्वारा भगवान का अभिषेक करने की परंपरा। तो ये सब परंपराएं आज परंपरा जीवंत रहे। और बातें हैं कि समय समय पर अनेकों विचारधाराएं प्रस्फुटित होती रहती है, कुछ विद्वानों के माध्यम से, कुछ साधुओं के माध्यम से, नए नए लोग आते हैं, नई नई बातें आती हैं सामने। लेकिन हमें अपने आगम और गुरु दोनों को प्रमाण मान करके, दोनों को जो है सर्वस्व मान करके और कभी भी पीछे कदम नहीं करना है। हमेशा आप दिवागंत सबका जो है आशा जी पाटनी के लिए और हमारी सूरत की जो अवनी जी है, कुमारी अवनी, और सबके लिए सूरत के सबके मीना और मीना जी जो है इंदौर की, हमें अच्छा लगा उनका भी कि वो भी जो है महिला संगठन में जुड़ी हुई है, अध्यक्षा है, हमें बहुत अच्छा लगा मीना जी के दो शब्द सुन करके। तो इंदौर की महिलाओं पर तो हमें गौरव है ही है। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो है मुंबई की महिलाएं में पीछे नहीं है और सूरत में भी हमारे समाज जैन समाज पीछे नहीं है आज परंपरा के संरक्षण में। अभी मैंने पाया है मांगी कुंगी में बराबर सूरत भी जुड़ा रहा, वो बराबर जो है हमारे आज ही हम याद कर रहे थे सूरत के हमारे संजय जी दीवार परिवार को और जो भी वहां से जुड़े परिवार, उनको आज ही सहज याद आ गई। तो बात यही है कि अभी इस 5 वर्ष के परिभ्रमण में घूमने में बिहार में हमें जो महाराष्ट्र मुंबई और सूरत और जो वहाँ बिहार करके और उन लोगों से मिलने का भी एक अवसर इस समय सहज मिल गया और सहज उन लोगों को मिल गया। तो बात यही है कि सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से अभी विषय को हम इस प्रकरण को थोड़ा आगे हम कल और लेंगे और पारस चैनल के माध्यम से भी आप लोग सुनते रहे और आज परंपरा की संरक्षण में हमारी महिलाएं, हमारे सभी पुरुष वर्ग और जो भी जूम से जुड़े हुए हैं महानुभाव, हमारे मुंबई के कंवर काशीवाद जी आदि सभी सभी लोगों के लिए, संपत्ति के लिए, संपत्ति पाटनी के लिए, सबके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इंदौर की महिलाओं के लिए, महिला संगठन के लिए, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और सूरत के लिए, सूरत के समाज के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सब लोग इसी प्रकार से आज परंपरा से जुड़े रहे और अपने इस वैश्विक महामारी के प्रसंग में प्रत्यक्ष और परोक्ष में इसी प्रकार से देव साधु की भक्ति करते हुए इस महामारी से घबराए नहीं, धैर्य पूर्वक धर्माराधना करते रहे, यही प्रेरणा सबके लिए। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब हम 47वें दिन के आज गुणानुवाद सभा के उपलक्ष में गणनी ज्ञानमती महापूजा के पुस्तक से 47 नंबर के अर्घ को बोलते हैं। आप सब लोग चढ़ाइएगा। आज अर्घ चढ़ाने वालों में प्रमुख रूप से दिख तो रहा है, बहुत लोगों ने अर्घ ले रखे हैं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की बहनों के द्वारा अर्घ है। श्रीमती मीना बागलीवाल कंचन बाग इंदौर से, श्री कन्हैया लाल मुकेश कुमार जैन सुमेरगंज उत्तर प्रदेश, श्री प्रमोद जी जैन धूलिया महाराष्ट्र से, श्री अतुल कुमार जैन कासरीवाल भीकन गांव मध्य प्रदेश से, श्री अशोक कुमार जैन झांझरी भीकन गांव मध्य प्रदेश से, श्री हेमचंद जैन झांझरी इंदौर मध्य प्रदेश, दीपचंद जी जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुप्रभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री नीरज जैन महमूदाबाद उत्तर प्रदेश से, श्रीमती मोनिका उदय प्रकाश जैन बाराबंकी, श्रीमती मालती जैन पारस जैन साथी जैन बसंत दिल्ली से, श्रीमती सुभा जैन डालीगंज लखनऊ से और त्रिशला जैन लखनऊ से सब लोग अर्घ चढ़ाने के लिए
तैयार हो जाएंगे। ओम शुक्ल भाव युत सेत वस्त्र धारण करती माँ तुम्हें नमन। बस एक वस्त्र के द्वारा मूल गुणों का करती हो पालन। देवी सी मन मोहक मुद्रा दिखता चेहरे पर तेज प्रवर गणनी माता ज्ञान मती स्वीकार करो ये अर्घ सुमन। हे गणनी माता ज्ञान मती स्वीकार करो ये अर्घ सुमन। हे गणनी माता ज्ञान मती स्वीकार करो ये अर्घ सुमन। ज्ञान मती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पिच्छिका मंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रविका थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञान मती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लक्ष मेरा मन भी पावन है। ओ श्री श्वेत वस्त्र धारिणे नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्जरणी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका तीर्थ विकास की संप्रेरिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति। अर्घ्य समर्पण हुआ और अब दीपार्चना के साथ कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। कल पुनः 3:30 बजे आप लोग उपस्थित हों और कल का कार्यक्रम है सनावत मध्य प्रदेश से यानी पूज्य पीठाधी सुलक्षी मोती साहब महाराज की जन्मभूमि से उनके जन्म ग्रह से भाई विशाल जी वैभव जी जिनकी बहन आरिका सुदृढ़मती माता जी के रूप में हमारे संघ में धर्म आराधना करती हैं और विशाल वैभव की मम्मी श्रीमती मधुबाला जी संघ की सेवा करते हुए अपने व्रतों का पालन कर रही हैं। ऐसे हमारे विशाल जी वैभव जी श्रुति जैन निकिता जैन और सब बालक बालिकाएं मिलकर के और सनावत के लोगों को जोड़ करके ये कार्यक्रम कल का ये लोग संपन्न करेंगे। अब हम दीपार्चना के कार्यक्रम की ओर आपको ले चलते हैं। मंगल आरती कीजिए। जय बोलो गांडी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भक्ति भावले Thank you.
गौवर्णी प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जगह संधि आचार्य चंद्रमती माता जी की जय। जब लो पूज गणी ज्ञानमती माता जी की जय। शोभा और अब हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। पुनः कल 3:30 बजे आप सब लोग उपस्थित होंगे। आज हमारे साथ में श्री चंद्र प्रकाश जी कुशला जैन लखनऊ से उपस्थित हुए, श्री उदय भान जी जैन राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारत, श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के और राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के भी महामंत्री हैं। उदय भान जी भी रोज युवा परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जितने भी भक्त जुड़ करके अपने कार्यक्रम को देखते हैं, अनुमोदना करते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज है जन्मदिन। अच्छा, श्रीमती आरती जैन इलाहाबाद का पता चला, देखो सही है, उनका आज जन्मदिन है। पूज्य माता जी आरती जैन को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आप स्वस्थ रहें। आपके परिवार का जो समर्पण तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली एवं संघ के लिए रहता है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आपके पुण्य की सराहना और अनुमोदना करते हैं। आरती जैन के लिए आपका जन्मदिन अगला साल खूब मंगलमय हो और स्वस्थ रहें, चिरंजीवी हो। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद आरती जैन के लिए। सभी उपस्थित भक्तजन आरती जी के जन्मदिन को की बधाई देते हुए तालियां बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय नम जय तू सास नम वंदे ज्ञानमती मातरम। जय नम जय तू सास नम वंदे ज्ञानमती मातरम। श्रीमती चंद्र प्रभा जी दिवाकर अस्पताल में कह रही मैं भर्ती हूँ, आशीर्वाद दीजिए माता जी, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। श्री चंद्र प्रभा जी दिवाकर इनके लिए स्वस्थता के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। खंडवा से सुरेश चंद जी परिवार की ओर से कहा गया, वो भी उपस्थित है, आशीर्वाद मांग रहे माता जी। और आगम जैन, अपूर्व जैन, सबको भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चिकेत नगर से पल्लवी जैन, रमा के पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। रीना जैन मंत्री महिला संगठन, उनके लिए भी आशीर्वाद। और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आगम जैन, नीता, नीतू जैन, अवनी जैन उपस्थित है, इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो खूब। और कौन, रितेश जोशी बांडू मुंबई, समय निकाल करके आप कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद। जय नम जय तू सास नम वंदे ज्ञानमती मातरम। जय नम जय तू सास नम वंदे ज्ञानमती मातरम। जय नम जय तू सास नम वंदे ज्ञानमती मातरम। बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए। हर्षित के लिए, अपूर्व के लिए, चलो भाई।